और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हाथरस हादसे पर मायावती का भी ट्वीट आ गया है सामने। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं वो, बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है कह रही हैं। 121 लोगों की मौत चिंताजनक है। तो हाथरस हादसे पर मायावती का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट है, जिसमें लगातार मांग कर रही हैं कि 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो भी है उसको कतई बख्शा ना जाए, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो हो ही हो, लेकिन बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी, 121 लोगों की मौत चिंताजनक। इस बीच आपको बता देते हैं, हाथरस हादसे की जांच के लिए बना न्यायिक जांच आयोग, आज हाथरस जाएगा। आयोग घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा। न्यायिक जांच आयोग की टीम सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे तक टीम डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी। दोपहर 1 बजे टीम घटनास्थल पर जाएगी और दोपहर 2 से 4 बजे तक निरीक्षण करेगी। शाम 6 से 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, आईजी अलीगढ़ समेत अन्य अफसरों से मुलाकात का कार्यक्रम है। दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उधर हाथरस हादसे में दर्ज केस में एससी एसटी धारा बढ़ाने की तैयारी है। थाना सिकंदरा मऊ में दर्ज मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी गैर अनुसूचित जाति के हैं, इसीलिए एससी एसटी एक्ट लगाने से घटना में मारे गए अनुसूचित जाति के लोगों को 8 से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिल सकती है। अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हाथरस हादसे की रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंप दी है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में डीएम, एसएसपी करीब 100 लोगों के बयान हुए हैं और इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर चित्रा वी को जांच का जिम्मा मिला है। एसआईटी ने हाथरस हादसे में जांच का दायरा बढ़ाया है। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम की रडार में कई लोग हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में घटना के वक्त पहले अफसर और राहत कार्य में जुटे लोगों से भी बात की गई है। एसआईटी ने अब तक की जांच में आयोजकों को दोषी माना है। एसआईटी की डिटेल्स रिपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। एसआईटी साजिश के एंगल से जांच कर रही है और इस मामले में भोले बाबा और सूरज पाल से भी पूछताछ होगी। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा किया करते थे, आज वही लोग उनकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में भी कोई खास बात या फिर कोई सिद्धि नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बड़े चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा ना रोक सकते हो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई, किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से माँ की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है ये। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है, इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। जिस तो सामने और आया आना चाहिए, तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है,
बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है, अगर प्रशासन ने वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए थे वहाँ पर। अगर प्रशासन देखता वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, दो चार डंडे मार देता, उससे इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते। हाथ पैर टूट जाता उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना, प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है। हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब उनके एनकाउंटर होनी चाहिए और जितने सत्संग हैं सब बंद होने चाहिए।